हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू स्पून ऑयल। मैं हूँ सुजाता। 30 डेज लेस ऑयल ब्रेकफास्ट चैलेंज का आज है डे 16 और आज की हमारी रेसिपी है ग्लूटेन फ्री बिस्किट्स। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ग्लूटेन फ्री बिस्किट्स बनाने के लिए मैंने 2 कप ज्वारी का आटा लिया है और इसे मैंने मिक्सी जार में डालकर थोड़ा पीस लिया है और फिर इसी मिक्सी जार में मैंने आधा कप शक्कर को भी पीस लिया है। इस पिसी हुई शक्कर को भी ज्वारी के आटे के साथ मिक्स कर दें। और इन दोनों को अच्छे से मिला लें। मैंने इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें 1/4 टीस्पून नमक मिलाया है। अब मैंने इसमें 5 बड़े चम्मच घी मिला दिया है। सबसे पहले घी और आटे को अच्छे से एक साथ मिक्स कर लें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसका आटा लगा लें। ध्यान रखें कि हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है, बस आटा इकट्ठा हो जाना चाहिए। इतना आटा लगाने के लिए मुझे 3/4 कप से थोड़ा सा कम पानी लगा है। इसी तरह से हमें आटा लगाना है। अगर बाद में आपको थोड़ा सूखा लगे तो आप थोड़ा सा पानी का हाथ इस आटे में लगा सकते हैं। अब इस आटे में से एक बड़ा आटे का गोला लें और इसे मोटा मोटा बेल लें। ज्वारी के आटे में ग्लूटेन नहीं होता है तो ये बेलते समय किनारे से रोटी फट जाती है। आप अपने हाथों से उस फटी हुई रोटी को शेप देते रहें और रोटी को बेलते समय रोटी को नहीं उठाना है। जिस पर हम रोटी बेलते हैं यानी चकला या पटला, उसे उठाते हुए हमें रोटी बेलना है। रोटी को 1/2 इंच जितना मोटा रखना है। रोटी बेल जाने के बाद उसके क्रैक्स कॉर्नर को कट करके निकाल दें। और इसे अपने किसी भी मनचाहे शेप में कट कर लें। आप इनके ऊपर कोई डिजाइन भी बना सकते हैं। इस तरह से ये बिस्किट रेडी हो गए हैं। इन्हें उठाने के लिए इस तरह से चाकू का इस्तेमाल करें। इन्हें बेक करने के लिए मैंने अवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है। जिस तरह से कुकीज़ को गैस पर बेक करते हैं उसी तरीके से इसे भी आप गैस पर बेक कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इसे आप तेल में फ्राई ना करें। आप इन्हें तेल में फ्राई करने जाओगे तो ज्वारी का आटा तेल में पूरी तरीके से बिखर जाता है, तो आप इसे तेल में बिल्कुल भी फ्राई ना करें। अगर आपको थोड़ा ब्राउन गोल्डन कलर पसंद है तो आप शक्कर मिला हुआ मीठा दूध इन बिस्किट्स के ऊपर लगा दें। अब इस बिस्किट्स की ट्रे को मैंने बेक होने के लिए अवन में रख दिया है। मैंने इन्हें 20 से 22 मिनट के लिए बेक किया है। अगर आप गैस पर कढ़ाई या कुकर में इन्हें बेक कर रहे हैं तो उनके कॉर्नर्स हल्के गोल्डन ब्राउन कलर के होने तक इन्हें बेक करें। और हमारे होममेड ग्लूटेन फ्री बिस्किट्स रेडी हैं। आप इन्हें एंजॉय कर सकते हैं सुबह दूध के साथ या फिर शाम को चाय के साथ। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करें।